Right, today we have to talk about earned value. Earned value naturally is a part of the cost management chapter. This involves cost piece mein aa jati hai, schedule piece mein aa jata hai, lekin cost ke perspective mein PMP OK mein zyada iske upar baat ki gayi hai, to isliye hum cost ke chapter mein isko padh rahe hain. Earned value progress ko measure karne ka ek tarika hai. Progress kaun si? Cost ki bhi aur time ki bhi, dono cheezon ki. Actually jo time ki progress hai, jo kaam ki progress hai, performance hai, wo aam taur pe hum naap lete hain percentage mein. Percentage ek nihayat jise kehte hain inaccurate method hai. देखने में तो ये लगता है कि यार ये बड़ा एक्यूरेट है, बड़ा लंबा अच्छा स्केल है और ये है वो है, लेकिन परसेंटेज इज नॉट अ गुड स्केल. वजह क्या कहेंगे, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? रियली एक मिनट. हाँ अली, मैं ये कह रहा हूं कि परसेंटेज जो है वो क्यों अच्छा स्केल नहीं है प्रोग्रेस मेजर करने के लिए? सर उसके अंदर सारे पैरामीटर नहीं होते सर. उसमें कोई भी पैरामीटर नहीं होता, परसेंटेज एक तुक्का होता है. मैं आपसे पूछता हूं कि कितनी प्रोग्रेस हुई है, आप कहते हैं तकरीबन 50% होगी. मैं कहता हूं कैसे 50% हुई है? आप कहते हैं जी ये टोटल काम का 50% हो गया. अब मुझे क्या पता, मतलब कि खुश होना है इस पे कि रोना है कि 50% हो गया? भाई होना कितना था ये तो बताया नहीं तुमने. अब तक कितना काम हो चुका होना चाहिए ये तो बताया नहीं. क्या रहे 50%? अच्छा अब एक और बंदा है वो कहता है सर इसका मतलब ये है कि जितने टोटल एक्टिविटीज थी इसने 50% एक्टिविटीज कर ली है. मैं उसे कहता हूं कि भाईजान क्या सारी एक्टिविटीज का साइज एक बराबर था, उनकी ड्यूरेशन एक बराबर थी, उनकी कॉस्ट एक बराबर थी? तो छोटी बड़ी एक्टिविटीज थी, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि 50% काम हो गया? तो कोई कहता है नहीं सर ये असल में ना कॉस्ट के हिसाब से इसने किया. मतलब ये है कि परसेंटेज में आपने बोल दिया और उसकी इतने मुंह उतनी बातें. तो उसके बाद ये है कि जो भी इंडस्ट्री है, आप सॉफ्टवेयर में हैं, आप लोग और तरह से परसेंटेज नापते हैं, कंस्ट्रक्शन वाले और तरह से नापते हैं, हर किसी का अपना अपना तरीका है. बल्कि वो कंस्ट्रक्शन वाले क्या पाकिस्तान में छोटा घर बनाने वाला और तरह से प्रोग्रेस नापता है, बड़ा घर बनाने वाला और तरह से नापता है, कमर्शियल प्लाजा बनाने वाला और तरह से नापता है. हर किसी ने ना 1.5 इंच की मस्जिद अलग अलग बनाई हुई है. तो एक इनएक्यूरेट मेथड है ये, ऐसे ही है कि जैसे आपको मैं कहूं कि अच्छा यार मुझे बताएं आप कितने खुश हैं, आप क्या जवाब दें, कितने खुश हैं आप? सर कोई पैरामीटर नहीं है. सर पैरामीटर कोई नहीं है ना, तो अब आप जो भी जवाब दे दें मुझे उससे कुछ समझ नहीं आएगा. आप कह देंगे बहुत खुश हूं, तो बहुत खुश हैं तो अच्छा होंगे बहुत खुश. अब लेकिन मैं किससे कंपेयर करूं? मैं एक और बंदे से पूछता हूं आप कितने खुश हैं, कहता मैं बहुत खुश हूं. भाई आप दोनों एक जितने खुश हो ये पता नहीं चल सकता. तो मैं इस चीज को आसान बनाने के लिए एक झूठ मूठ का स्केल बनाता हूं. मैं कहता हूं यार 1 से 5 के स्केल के ऊपर बताओ कितना खुश हो. आप कहते हो जी 3 लेवल पे हूं मैं, वो कहता है मैं 4 लेवल पे हूं. अब मैं आप दोनों के दरमियान तमीज कर सकता हूं कि आप दोनों के खुश होने में फर्क क्या है. तो ये स्केल जो मैंने बनाया है, एक पैरामीटर मैंने बना दिया, लेकिन ये स्केल मैंने जो बनाया है इसको कहते हैं लिकर्ट स्केल, LIKERT, लिकर्ट स्केल. लेकिन ये सिर्फ मैंने गुजारा करने के लिए, ये बात समझने के लिए कि एक चीज जिसको मेजर नहीं किया जा सकता उसको मेजर करने के लिए मैंने एक तरीका निकाला. अब मुझे बताएं कि क्या प्रोग्रेस मेजर नहीं की जा सकती? क्या उसमें तुकबाजी करने की कोई जरूरत है? प्रोग्रेस तो एक बिल्कुल साफ सुथरी सी चीज है. टाइम कितना गुजर गया, कैसे गुजर गया, इसका मतलब है कि ये तुकबंदी वाला तरीका गलत है. इवन इफ आप सही तरह से भी कर रहे हैं
परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। दूसरा इसका प्रॉब्लम यह है कि अगर चले मैं मान भी लूं आपसे कि आपकी टाइम की प्रोग्रेस 60-50% है, तो अब एक तो मुझे इससे ये अंदाजा कोई ना होगा ना कि कितना काम हुआ है। दूसरी बात यह कि मैं पता कितने पैसे खर्च हो गए, आप कहते हैं 50,000 रुपया खर्च हो गए। अब मुझे नहीं पता कि इतने काम के लिए 50,000 काफी है, क्या 50,000 ही खर्च होना चाहिए था, ज्यादा खर्च हो गया है, कम खर्च हुआ है, कोई पता नहीं। हम जोर डालते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर पे, जल्दी करो जल्दी करो, सारा जोर उसके स्केड्यूल के ऊपर लगा देते हैं कि काम जल्दी करो, कॉस्ट के बारे में कोई नहीं पूछता। हाँ, जब बजट दिया जा रहा होता है, प्लानिंग हो रही होती है, तब सारों को कॉस्ट की पड़ी होती है, कीमत कम करो कीमत कम करो। अब जब काम हो रहा है तो कीमत की कोई बात नहीं कर रहा, हर कोई कह रहा है जल्दी करो। अब मैं जल्दी करूं तो पैसे ज्यादा लग जाएंगे। होता भी यही है कि अगर मैं किसी बात में डिले हो रहा हूं या वैसे जल्दी करने का प्रेशर है, तो मैं ऐसे रिसोर्सेज इस्तेमाल करता हूं कि जिससे काम जल्दी हो जाए और उससे पैसे ज्यादा खर्च हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त पता नहीं चल रहा होता क्योंकि कोई अंदाजा ही नहीं लगाने वाला होता कि कितने पैसे ज्यादा या कम खर्च हो रहे हैं। अल्टीमेटली जब प्रोजेक्ट खत्म होता है और हिसाब किताब किया जाता है तो पता चलता है, ओहो ये तो आपने दुगने पैसे खर्च कर दिए हैं या 3 गुना पैसे खर्च कर दिए। तो ये कोई आपस में टाइम की प्रोग्रेस का और कॉस्ट की प्रोग्रेस का कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये ताल्लुक बनाने की जरूरत है। अगर जिस वक्त मैं काम तेज कर रहा था और बेहतर जा रहा था, उस वक्त मुझसे कोई ये पूछता कि भाई आपको कितने पैसे खर्च करने चाहिए थे अब तक और कितने किए हैं, तो तब उसे पता चलता कि मैं तो ज्यादा पैसे खर्च कर रहा हूं, जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च कर रहा हूं, तो मुझे रोक दिया जाता कि भाई ज्यादा एक्सीलेटर पे पाँव मत रखो, स्लो हो जाओ, इतने पैसे नहीं है हमारे पास खर्च करने के लिए, करेक्शन अप्लाई हो जाती। अर्नड वैल्यू एक ऐसा मेथड है जो कॉस्ट और टाइम दोनों को साथ साथ रख के मेजर कर सकता है। यूं समझ लो कि जैसे एक बग्घी है, उसमें दो घोड़े जुटे हुए हैं, एक कॉस्ट है और एक टाइम है। हम दोनों घोड़ों को एक ही स्पीड से भगाते हैं। अगर एक घोड़ा थोड़ा आगे निकलने की कोशिश भी करे तो हम उसकी लगाम खींच लेते हैं कि दोनों घोड़े एक बराबर भागे, या तो हम दूसरे घोड़े को भी स्पीड देते हैं, मतलब वो बंधे हुए हैं आपस में, तो उन्होंने एक दूसरे को साथ घसीटना है। तो इसी तरह हम अपनी टाइम की और कॉस्ट की प्रोग्रेस को इकट्ठे बांध देंगे और बांधने के बाद हम कहेंगे अब भागो। जहां कॉस्ट ज्यादा खर्च होनी शुरू हो तो हम स्पीड स्लो कर लेंगे, जहां टाइम बढ़ाना हो तो हम टाइम वाले घोड़े को धक्का देंगे। तो ये है जी अर्न वैल्यू। जो टर्मिनोलॉजीज इसमें इस्तेमाल होती है, मेरा ख्याल है आपने पहले एग्जाम दिया भी हुआ है, आपको काफी बेहतर तरीके से पता होगा। जब हमने प्लानिंग की थी तो हमने हर एक्टिविटी का एक एस्टिमेट लगाया था और बजट वाले ने उस एक्टिविटी के जो एस्टिमेट था उसके अगेंस्ट मुझे कोई बजट दिया। हो सकता है उतना ही दे दिया हो सकता है थोड़ा कम दिया हो सकता है थोड़ा ज्यादा दिया हो, लेकिन जो बजट एक्टिविटी वाइज एलोकेट हो गया ना प्लानिंग के अंदर, वही उस पैसा है जो इस एक्टिविटी पे लगाना है। एस्टिमेट को भूल जाए अभी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बजट देने वाला आपको ये ना बताए कि हर एक्टिविटी का कितना बजट है, आपको टोटल बजट बताया कि प्रोजेक्ट पे आपको बस आधे पैसे मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि अब एक्टिविटीज कैसे होंगी, तो आधा प्रोजेक्ट होगा ना आधे पैसों में, तो ये तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी, बहुत जरूरी काम इससे सफर हो जाएंगे। अगर उसने मुझे कम पैसे भी देने हैं तो मुझे कम से कम ये तो बता दे कि मेरी कैलकुलेशन में कहां गलती थी, कहां मैंने ओवर एस्टिमेशन कर दी है, ताकि मैं उतने पैसे उधर से काटूं बजाय इसके कि जरूरी एक्टिविटीज को सफर करना पड़े। तो इसलिए हम कहते हैं कि बजटेड कॉस्ट होनी चाहिए हर एक्टिविटी जो स्केड्यूल होती है, इसको कहते हैं बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल। हर काम का एक बजट होगा तो वो उसकी प्लान्ड वैल्यू कहलाती है। ठीक है जी, हम इधर कर क्या रहे हैं अर्न वैल्यू में,
हम कोशिश कर रहे हैं कि दो घोड़े इकट्ठे भगाने के लिए उनको एक ही लगाम से भगाना है, उनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट एक ही होना चाहिए, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन किया जा सके। तो परसेंटेज में नापना दोनों को तो बहुत ज्यादती होगी कि परसेंटेज तो बजाते खुद एक बहुत ही इनएक्यूरेट मैकेनिज्म है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं कॉस्ट में मेजर कर लूंगा, पैसे में मेजर कर लूंगा। अब ये देखिएगा कैसे मेजर करूंगा। एक बात तो हमें पता चल ही गई कि प्लैंड वैल्यू जो है ये वो वैल्यू है जो हर एक्टिविटी की बजट का बजट है, हर एक्टिविटी का बजट उसकी प्लैंड वैल्यू है। अगर मैं एक रिपोर्टिंग पीरियड में, मतलब एक महीने महीने के बाद रिपोर्ट जानी है, एक महीने में मैंने 10 काम करने थे, प्लान था स्केड्यूल में लिखा हुआ है कि ये 10 काम आपने इस महीने में खत्म करने हैं, तो उन 10 कामों की जो जो प्लान वैल्यूज हैं वो सब जमा कर लें, कमुलेट कर लें, जो जवाब आएगा दिस इज द प्लान वैल्यू ऑफ वन मंथ। एक महीने की रिपोर्ट में इतना काम होना चाहिए, मेरे एस कर्व के ऊपर ये पॉइंट होगा प्लान वैल्यू का। याद तक बात समझ आती है? जी सर। ओके, ये जो प्लान वैल्यू है ये मुझे पहले से पता होती है, पूरे प्रोजेक्ट का एस कर्व बना हुआ है, कॉस्ट बेस्ड लाइन बनी हुई है, इस एस कर्व पे हर नुक्ता जो है, हर पॉइंट जो इस पे अक्कर करता है वो मुझे पहले से पता है। तो इसका मतलब है हर पॉइंट एक प्लान वैल्यू है, उस वक्त तक इतने पैसे खर्च हो चुके होने चाहिए। और इसी तरह जो उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, पीक जो उसकी है, वो मुझे क्या शो कर रहा है, उस वक्त आखिरी मोमेंट का प्लान वैल्यू विच इज इक्वल टू द टोटल बजट, और उसको हम कहते हैं बजट एट कंप्लीशन। ये है बजट एट कंप्लीशन। तो आखिरी प्रोजेक्ट का जो प्लान में लिखा है कि ये 6 महीने का प्रोजेक्ट है, 6 महीने के आखिर में जहां एस कर्व अपनी पीक पे पहुंचता है, वो आखिरी पॉइंट की जो प्लान वैल्यू है वो दरअसल मेरे पूरे प्रोजेक्ट का बजट है, और वो कहलाता है BAC, बजट एट कंप्लीशन। अब जनाब आप क्या करेंगे, ये दो चीजें आपको पहले से पता हैं, अब आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में ले जाते हैं और अब आप एक महीना काम करते हैं। आपने उन 10 कामों में से 8 काम कर लिए। अगर आपने 8 काम किए तो लाजमी बात है कम काम किए, तो जो 8 काम आपने किए हैं उनकी जो बजट में वैल्यू लिखी हुई है, बजटेड वैल्यू जो है कि ये कितने कितने में होना था, ये काम होना चाहिए था, वो बजटेड वैल्यू आपने जमा कर ली 8 कामों की, ये बन गई आपकी अर्नड वैल्यू, और इसको हम कहते हैं बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। जितना काम हो गया, 8 काम हो गए, जितना काम हो गया उसकी बजट में कितनी कीमत लिखी हुई है, यह है बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म या अर्नड वैल्यू। ये भी ठीक है? जी सर। तीसरी चीज जो है वो कि अभी जितने भी काम हमने कर लिए हैं, एक महीना गुजर गया है, हमने 8 काम किए हैं, इसके ऊपर हमने पैसा कितना खर्च किया ऑन ग्राउंड, असल में कितना पैसा खर्च हो गया है। अब वो जितना भी पैसा खर्च हुआ है अब तक की तारीख तक, वो मेरी एक्चुअल कॉस्ट कहलाएगी या एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। ठीक है जी। फर्ज कर लेते हैं कि मेरा बजट एट कंप्लीशन जो था वो था 50,000 रुपए, पहले महीने के एंड तक मुझे जो 10 काम करने थे उनकी टोटल कीमत बनती, बजट बनता था 13,000 रुपए, और मैंने 8 काम किए हैं, 10 काम नहीं किए, उनकी कीमत बनती है 12,000 रुपए। ठीक है। अब जनाब काम तो 13,000 का होना था, किया मैंने 12,000 है, खर्च कितने कर दिए हैं, फर्ज करें मैंने 12,500 खर्च कर दिए, तो मैंने
कितने पैसे ज्यादा खर्च कर दिए? 500। बिल्कुल सही है। तो मैंने 500 रुपए ज्यादा खर्च किए हैं, इसको मैं कंपेयर करूंगा जो काम मैंने किया उसके साथ, क्योंकि आप देखें ये बीसीडब्ल्यूपी और एसीडब्ल्यूपी में कॉमन क्या है, वर्क परफॉर्म्ड इज कॉमन। एक ही आठ टास्क इधर किए, आठ टास्क इधर किए, उसकी बजटेड वैल्यू क्या है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है, इसका मतलब है जो फर्क पड़ रहा है वो कॉस्ट का पड़ रहा है। बजट में कितने पैसे खर्च करने थे, कितने पैसे खर्च किए, तो इन दोनों के फर्क को हम कहते हैं कॉस्ट वेरियंस। द डिफरेंस बिटवीन ईवी एंड एसी इज कॉल्ड कॉस्ट वेरियंस। ईवी माइनस एसी इज कॉस्ट वेरियंस। और ईवी पहले क्यों रखा, क्योंकि मैंने उतना ही काम कर लिया जितना करना था, या जितना मतलब अगर ईवी मेरी 12,000 है और मैंने खर्च ज्यादा कर दिया है तो अगली वैल्यू ज्यादा आ जाएगी ना, माइनस एसी, तो जवाब माइनस में चला जाएगा, माइनस 500 जवाब है आपका जी। तो अगर माइनस हो तो बुरी बात है, प्लस हो तो अच्छी बात है, जीरो हो तो बराबर है। इसी तरह जो मेरी स्केड्यूल वेरियंस है वो है, काम 10 होने थे, हुए 8 हैं, 10 की कीमत 13,000, 8 की कीमत 12,000, तो काम ज्यादा हुए कम हुए? कम हुए। कम हुए हैं तो मैं क्या करूंगा, ईवी में से पीवी माइनस कर दूंगा, 12,000 माइनस 13,000, तो मेरा जवाब माइनस में आएगा, जो कि बुरी बात है, माइनस 1,000 मेरा स्केड्यूल वेरियंस निकल आएगा, राइट? सही सर। स्केड्यूल तो मतलब मैंने लास्ट टाइम जो मैंने सेंस बनाई थी इन सारी चीजों की, वो ये स्केड्यूल वेरियंस और कॉस्ट वेरियंस किस तरह बनाई थी कि कॉस्ट जो है वो आपका एक्चुअली इट्स मनी रिगार्डिंग कि आपको कितने पैसे खर्च हुए हैं, और स्केड्यूल जो है वो आपका वेरियंस आपका आ जाता है कि कितना टाइम खर्च हुआ है। तो टाइम से मतलब स्केड्यूल वेरियंस टाइम से पहले आ गया या बाद में आया, अगर पहले आता है तो विद इन टाइम है, बाद में आता है तो वो बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए बात ये है कि जब मैं कहता हूँ ना कि 13,000 का काम कर लेना चाहिए था और आपने 12,000 का काम किया है, तो इससे क्या जाहिर हो रहा है कि आपने कम का काम किया है, ठीक है ना जी। तो यू आर बिहाइंड दिस स्केड्यूल। अगर आप ये 10 काम मुकम्मल कर लेते हैं 13,000 वाले, और उसके अलावा 2 काम और भी कर लेते हैं, और आपका जो बजटेड कॉस्ट होती उन 12 कामों की वो बन जाती 15,000, तो आपका अर्न वैल्यू ज्यादा हो जाता। तो आपने 15,000 का काम कर लिया, करना 13 का था, इसका मतलब ये हुआ कि आपने ज्यादा काम कर लिया, आपने 10 नहीं 12 काम कर लिए, तो आप हेड ऑफ स्केड्यूल चले गए। कितने पैसों से हेड ऑफ स्केड्यूल चले गए? 2,000 से। आपने 2,000 फालतू काम कर लिए, ठीक हो गया जी। मतलब ये इस तरह ही फॉर्मूलाज के अंदर आ जाते हैं कि अगर ये माइनस के अंदर जाते हैं, मतलब प्रोजेक्ट इज अहेड ऑफ स्केड्यूल और अहेड ऑफ बजट और बिहाइंड स्केड्यूल बिहाइंड ऑफ बजट। बिल्कुल बिल्कुल। एस्टिमेटेड कंडीशन क्या है, अभी एक महीना गुजर चुका है और मेरे सामने प्रोग्रेस है टाइम की भी और कॉस्ट की भी, अगर ये मेरे करतूत रहे, मतलब इसका बजट एंड कंप्लीशन का ताल्लुक और एस्टिमेट कंप्लीशन का ताल्लुक तो पैसे से है ना। अगर मैं कितने पैसे एक्स्ट्रा खर्च कर रहा हूं, 500 रुपए, अगर मैं हर 12,000 के काम के ऊपर 500 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करूंगा, तो टोटल प्रोजेक्ट मेरा 50,000 का था, तो 50,000 पे कितने पैसे ज्यादा खर्च हो जाएंगे? हाँ जी सॉरी सर, आपकी आवाज कट गई है, क्या कह रहे थे? मैंने कहा कि क्योंकि ये कॉस्ट का मामला है, बजट टोटल मेरा 50,000 था, और मैं ये देखता हूं कि मुझे काम जो मैंने एक्चुअली ऑन ग्राउंड किया है उसकी वर्थ है 12,000 रुपए।
लेकिन खर्च मैंने किए हैं 12,500 रुपए, तो मैं 500 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा हूं जी, ओवर बजट हो गया। मतलब हर 12,000 रुपए में 500 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर देता हूँ, सही है ना? हर 12,000 रुपए अगर मैं 500 एक्स्ट्रा खर्च करता हूँ तो 50,000 रुपए कितने खर्च करूंगा? तकरीबन 2,000-2,500 तक। ये आप कैलकुलेट करके देखें, 2 देख लेते हैं, और 12,000 के ऊपर 500 ज्यादा खर्च कर रहे हैं, बारह हजार के काम के ऊपर मैं 500 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करता हूं तो 50,000 के ऊपर कितना करूंगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो 12,000 एक्स बराबर है 50,000 और इसको अगर मैं 12,000 से डिवाइड कर दूं, ये यहां से खत्म हो जाएगा। ये बना आपका फार्मूला। अब 12,000 आपका क्या था सर? आपका बजट था ना, स्केड्यूल, स्केड्यूल कह रहा हूँ, एक्चुअल जो कॉस्ट है आपकी, जो हाँ नहीं, एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, ये मेरी अर्नड वैल्यू है, ये मेरा बीएसी है। या आप इसको यूं भी कर सकते हैं, इसको आप कर दें, हर 12,000 का काम मैं 12,500 में करता हूं तो ये ज्यादा सिंपल हो जाएगा। हर 12,000 का काम मैं 12,500 में करता हूं तो 50,000 का ये 2000 समथिंग, 2000 ये आ जाएगा, 83 आ जाएगा। दोबारा करो, ये इसको एक्चुअल कॉस्ट रखो, ये एक्चुअल कॉस्ट है, ये अर्नड वैल्यू है, ये बीएसी है और ये ईएसी है। तो ईएसी बराबर है एसी मल्टीप्लाइड बाय बीएसी डिवाइडेड बाय ईवी, या मैं इसको लिख सकता हूं बीएसी मल्टीप्लाइड बाय एसी बाय ईवी, जो के बराबर है ईएसी डिवाइडेड बाय सीपीआई। सीपीआई क्या होता है? कॉस्ट पर, सीपीआई क्या होता है? कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर। नहीं, क्या इसका फॉर्मूला क्या है सर? ईवी माइनस एसी आई गेस। नहीं यार, माइनस नहीं होता, इंडिकेटर में डिवाइड करते हैं, सीपीआई में डिवाइड करते हैं, सीवी में माइनस करते हैं, वेरिएंस जब निकालते हैं, कॉस्ट वेरिएंस, स्केड्यूल वेरिएंस, वहां माइनस करते हैं। जब कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है तो ईवी बाय एसी होता है। अच्छा, सही है। कहां पे लिखा हुआ है एसी बाय ईवी, इसका मतलब है इसका सीपीआई का उल्टा है। तो अगर मैं बी, अच्छा, ये डिवाइड सही है, इंडिकेटर और स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडिकेटर के अंदर डिवाइड होता है, ठीक हो गया। अगर तो इसका मतलब है कि ईएसी बराबर है बीएसी डिवाइडेड बाय सीपीआई के। तो बात समझ आई कि नहीं आई? सर ये जो फॉर्मूला है ये भी ईएसी का फॉर्मूला जी, ये आप बीएसी, आप एसी डिवाइडेड बाय फॉर्मूला है बीएसी डिवाइडेड बाय सीपीआई, बस बीएसी। ठीक है ठीक है, डिवाइड बाई सीपीआई, सही हो गया। और ये मैंने आपको दिखा भी दिया कि ये बना कैसे है। हाँ जी, और ये हम ये सोच के बनाया है कि अब तक एक ही रिपोर्ट आई है ना मेरे पास, प्रोग्रेस रिपोर्ट, एक महीने ही गुजरा है, तो आगे हो सकता है 6 महीने, टोटल 6 महीने का प्रोजेक्ट था, अभी एक ही महीना गुजरा है, जो अभी तक करतूत रहे हैं यही आगे भी होने का इम्कान है। तो जितना अभी मैंने नुकसान कर दिया है उतना ही आगे भी उसी रेशियो में आगे भी होगा, इस वजह से मैंने ये फॉर्मूला बनाया। सर तो फिर ये एस्टिमेटेड कंप्लीशन जो है वो हमने जो निकाली थी ये जो थी क्या हमने निकाला अभी जो वेरिएंस निकाली थी इसकी,
वो हमारी यानी कि 12,500 खर्च कर रहे हैं, तो 50,000 के ऊपर कितना वो ज्यादा खर्च होगा? एक मिनट देखें जी, ये एक चीज नोट, 1000 से प्लस कर देंगे तो 52,000। ओके, हम कहते हैं सीवी जो है, मतलब वो जिस तरह हम पहले कैलकुलेट, वो है ईवी जी माइनस एसी, और जो सीपीआई है वो है ईवी डिवाइडेड बाय एसी। वही बात है, सिर्फ आपने इधर माइनस के बजाय डिवाइड का निशान लगा दिया। एसवी जो है वो है ईवी माइनस पीवी, और एसपीआई है वही ईवी डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय ईवी। ठीक है, अब जो आपका ईएसी है उसका हमने फॉर्मूला बनाया, बीएसी बीएसी डिवाइडेड बाय सीपीआई, मतलब ये सीपीआई ये वाला है ये। बात समझ आई? जी 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 जनाब। जी जी सर, आवाज आ रही है? जी सर, मेरी नहीं आ रही आपको? हेलो, अली आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, अच्छा चले, हेलो ये बात समझ आ गई नहीं जी? जी आवाज आ रही है सर मेरी। अब हम क्या करते हैं? ओके, ये तो वो सिचुएशन थी कि एक ही प्रोग्रेस रिपोर्ट है, एक ही महीना गुजरा है और आइंदा भी यही होने का इम्कान है, मगर अगर रिपोर्ट इससे पहले 3 महीने गुजर चुके हों या ज्यादा टाइम गुजर चुका हो तो फिर जो अब तक होया होता आया है, लाजमी बात है कि पहले महीने की भी सीपीआई होगी, दूसरे महीने की अलग सीपीआई होगी, तीसरे महीने की अलग सीपीआई होगी, भाई इनमें से कौन सी सीपीआई लूं और उसको किस पे अप्लाई करूं? जो ये 3 महीने की सीपीआई है, सीपीआई पहले महीने की, इसका ईवी बाय एसी था, मिसाल के तौर पे आपने कहा था 12,000 डिवाइडेड बाय 12,500 सीपीआई, दूसरे का था ईवी दूसरे महीने का बटा एसी दूसरे महीने का, ये था जनाब 20,000 और ये डिवाइडेड बाय, आपने ये परफॉर्मेंस आपकी इंप्रूव हो गई थी, फिर आपने सीपीआई तीसरे महीने जो निकाला वो ईवी 3 था एसी 3 है और वो हो गया जनाब 25,500 और उसमें जो एसी था वो किया आपने 26,500। अब ये 3 सीपीआई हैं जो गुजर चुके हैं, 3 महीने का प्रोजेक्ट हो गया है, हाफ हो गया प्रोजेक्ट, 3 महीने रह गए। अभी अगर आप इनको कैलकुलेट करें कि इनकी सीपीआई तीनों सीपीआई क्या बन रही हैं, सर ये वैल्यूज किस तरह आई हैं यहाँ पे, क्या बन रही है सीपीआई, कैलकुलेशन करके दिखाएं जरा।
सर आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो, हाँ जी, कुछ किया पहली वाली 0.96 है, ओके। दूसरी क्या है? पॉइंट नाइन फाइव आ रही है दूसरी? पक्की बात है? नहीं, 0.95 नहीं होगी, गलत है। अब 20/21, अच्छा ठीक है ठीक है, 0.95 ठीक हो गया। जीरो पॉइंट नाइन फाइव और तीसरा फिर 0.96। चलें सही है, इत्तफाक से ये करीब, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि इसको 20 ही बना दें आप, तो ये वाली वैल्यू 1 आ जाएगी। ताकि मैं थोड़ा सा इसको वो दिखाना चाहता हूँ। अच्छा मसला ये है, हाँ हाँ मतलब मैंने ये कहा ना कि ये काम है, ये 8 काम थे, फर्ज करें ये जो है ये 15 काम थे और ये यहां तक 25 काम हो गए। ये 8 में से 10 हुए थे, ये 15 में से 15 हो गए थे, ये 25 में से 24 हुए थे। पता नहीं अब तुम्हारा यहां से माइक तो खुला हुआ है, अब आई डोंट नो क्या मसला है। अच्छा एनीवे जी, अब जनाब मसला ये है कि जब 3 सीपीआई या 1 से ज्यादा सीपीआई होंगे तो 3 महीनों में हर महीने का जो आपका सीपीआई है वो डिफरेंट है, मतलब हर महीने का डिफरेंट एटीट्यूड रहा है आपका कॉस्ट की तरफ। अब इनमें से कौन सा एटीट्यूड लेके मैं आगे चलूं? मैं आखिरी वाले की बेस के ऊपर अगर कैलकुलेशन करूंगा तो वो कुछ और बन जाएगी, अगर मैं उससे पिछले वाले पे करूं तो कुछ और बन जाएगी, उससे पिछले पे करूं तो कोई और बन जाएगी। तो मतलब ये है कि मेरी कोई इस तरह का सीपीआई होना चाहिए जो इन सब की कोई एवरेज टाइप की चीज हो, लेकिन सीपीआई की एवरेज नहीं ली जा सकती। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं एक टर्म सीपीआईसी, सीपीआई कमुलेटिव, जिसका फार्मूला होता है सिग्मा ईवी बाय सिग्मा एसी, मतलब सारे ईवी जमा कर लो और सारे एसी जमा कर लो और उनको डिवाइड कर दो। तो इस केस में हमारा बनेगा 12 और 20, 32 32 और 25 500, 32 42 52 54 55 500 डिवाइडेड बाय, नीचे वाली वैल्यूज बनती हैं 20 30 32 500 33 33 43 53 59। अब ये जरा कीजिएगा, 55,555,000 डिवाइडेड बाय 59,000।
55,500 divided by 59, ये 0.94 बन जाता है, मेरा CPIC बन गया 0.94। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एवरेज नहीं है, क्योंकि अगर मैं एवरेज लेता तो मेरा जवाब तो 0.96 और 1 के दरमियान कुछ होता। आप लेके देख लें, 0.96 प्लस 0.96 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, अगर सिंपल एवरेज लूं तो वो बनेगा 0.97। ठीक है, लेकिन सीपीआईसी जो है वो पैसों के हिसाब से उसने उसको बनाया, और अब मेरा 0.94। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस 0.94 को मैं क्या करूंगा, इस सीपीआईसी को मैं कहां इस्तेमाल करना चाहता हूं। ओके, तो 0.94 याद रखना है आपने, और आखिरी फिगर क्या थे, 25,500 और 26,000 समथिंग के। ओके जी, अब मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि मैं कहता हूं कि अभी मैं ईएसी निकालना चाहता हूं, लेकिन अब जो ईएसी है वो क्या है, एस्टिमेट एट कंप्लीशन। वो कहते हैं जी कि अब तक जो काम हो चुका है उसकी कॉस्ट क्या है, अब तक 3 महीने गुजर चुके हैं, जो तीसरे महीने का एक्चुअल कॉस्ट है वो है जो मैंने अब तक कर लिया है। ये तो खर्च हो गया ना, उसका तो कुछ हो नहीं सकता। वो मेरा ख्याल था 26,500, और इसके बाद जो बाकी आइंदा जो काम बाकी रह गया है उस पे कितना खर्च होगा, टोटल जो बाकी कितना काम रह गया। आप ये तो पैसा खर्च हो गया ना, 26,500 जी तो एसी है, जो मेरा बाकी काम रह गया है उसमें टोटल काम में से ईवी हो चुका है, तो टोटल काम था बीएसी माइनस उसमें से ईवी निकाल दो, ये मेरा बकाया काम रह गया। अगर मैं बकाया काम को सीपीआईसी से डिवाइड कर दूं तो मेरा मसला हल हो जाएगा। अब आप देख लिए, 26,500 जमा टोटल था 50,000 माइनस, और ये था 25,500, और सीपीआईसी की वैल्यू आई थी 0.94, ऐसे ही था। तो जनाब पचास हजार में से 25,500 निकाल दिए, 24,500 को डिवाइड कर दिया 0.94 पर, ये आ गया 26,064 लगा लो, और 26,500 पहले खर्च हो चुके हैं, तो अब मेरा जो खर्च होने का इम्कान है, जो टोटल खर्च होगा वो है 52,563.64 ही कर लो। ये जनाब ये मेरा एस्टिमेट एट कंप्लीशन निकल आया कि अब जो मेरा प्रोजेक्ट है 50,000 में नहीं हो सकेगा बल्कि 52,564 में होगा। अब बीएसी और ईएसी का जो फर्क होगा वो ये एडिशनल खर्चा होगा, उसको कहते हैं वेरिएंस एट कंप्लीशन इज इक्वल टू बीएसी प्लस ईएसी, सॉरी प्लस नहीं है ये माइनस है, माइनस ईएसी। तो ये निकल आएगा कितना ज्यादा खर्चा हुआ माइनस में, 2564।
तो मेरी वेरियस एट कंप्लीशन निकल आई 2,564 रुपए। ये माइनस का मतलब है इतने पैसे ज्यादा खर्च होंगे। बीएसी से मैंने माइनस ईएसी किया तो 2,564 निकल आए, इतने पैसे मेरे ज्यादा खर्च होंगे। ये आपको मैंने वेरिएंस एट कंप्लीशन भी बता दिया। अच्छा एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये मैं मिटा दूं स्क्रीन या नोट कर लिया आपने? ओके ओके। अब जनाब जब ये सब कुछ हमने कर लिया तो अब आपको पता चल गया कि सीवी और एसवी कैसे निकालना है, एसपीआई और सीपीआई कैसे निकालना है, ईएसी कैसे निकालना है अगर एक ही डाटा अवेलेबल हो, एक ही महीने का डाटा अवेलेबल हो, अगर एक से ज्यादा हो तो कैसे निकालना है। वैसे अगर आप किताब देखें तो आपको ईएसी के बहुत सारे फार्मूले नजर आएंगे। उसमें वो कहता है ईएसी इज इक्वल टू एसी वही प्लस, अब वो कहता है बी, ये जो है बी एसी माइनस ईवी, वो जो डिवाइड करना होता है ना सीपीआईसी से, वहां पे वो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करता है। कभी तो वो सीपीआई से डिवाइड कर देता है खाली, कभी वो क्या करता है सीपीआई प्लस एसपीआई से डिवाइड कर देता है, कभी वो क्या करता है कहता है जी के 0.8% सीपीआई प्लस, सॉरी ये मल्टीप्लाई है, प्लस 0.2% एसपीआई। मतलब ये, अब ये मैं बताता हूं आपको, अगर वो कहता है कि यार मैंने कम्युलेटिव इफेक्ट नहीं लेना, जो भी करंट सीपीआई है उसके हिसाब से इसी का असर आगे डाल दूं, मतलब इसका कहने का है कि तीसरे महीने में जैसी हमारी परफॉर्मेंस रही है करंट परफॉर्मेंस वही आइंदा होने का इम्कान है, तो सीपीआई से डिवाइड कर दो। अगर कम्युलेटिव लेनी है तो सीपीआई सी से डिवाइड कर दो। अगर आप समझते हैं सीपीआई और एसपीआई का कोई इकट्ठा इफेक्ट बनना है तो सीपीआई को एसपीआई से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप कहते हैं कि 80% असर सीपीआई का है और 20% एसपीआई का है तो 0.8 इंटू सीपीआई प्लस 0.2 इंटू एसपीआई कर दो। ठीक है ना जी। तो ये तो बात हो गई कि ईएसी के बहुत से फॉर्मूले हैं, किताब में लिखा हुआ है कि अगर ऐसा हो तो ये फार्मूला इस्तेमाल करो, अगर वैसा हो तो ये फार्मूला इस्तेमाल करो, लेकिन सीपीआईसी वाला फार्मूला किताब में नहीं है। लेकिन वो सीपीआईसी वाला फार्मूला प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा यूजफुल है। कौन सा वाला? देखो ये बात तो समझ आई ना, ये बात तो आपको समझ आ गई ना कि ईएसी, बल्कि मैं इधर लिख देता हूं, ईएसी दो चीजों से मिलके बना है, एक जो अभी तक हो चुका है और एक जो अभी होना बाकी है। जो हो चुका है पैसे खर्च करने की बात है ना, अब तक कितना पैसा खर्च हो चुका है, जो भी करतूत हो गए हैं, पैसा जो खर्च हो गया तो हो गया ना, तो अब तक हम एसी खर्च कर चुके हैं। आखिरी महीने वाला, तीसरे महीने तक जो आखिरी वाला एसी है वो लेना है। अब तक हम इतना पैसा खर्च कर चुके हैं, अब सवाल है और कितना पैसा खर्च होगा, तो और जो पैसा खर्च होगा वो किसके ऊपर होगा? बकाया काम के ऊपर। पहले तो बताओ बकाया काम क्या है। कुल काम जो है वो बीएसी है, जो काम हो चुका है वो ईवी है आखिरी महीने का। तो अगर मैं टोटल काम में से ईवी निकाल दूं तो ये मेरा बच जाएगा बकाया काम। बकाया काम के ऊपर मैं डिवाइड कर दूंगा सीपीआई या जो भी
फैक्टर लगाना है, सीपीआई से करो, सीपीआईसी से करो, या ये दो तीनों जो मैंने दिए इनमें से किसी से, या और भी किताब में दिए हुए, जिससे भी डिवाइड करना है आप वो कर दो, तो आपको वो पैसे आ जाएंगे जो मजीद खर्च करने की जरूरत है। वो जो वो अब पैसे आएंगे उसको हम कहते हैं ईटीसी, एस्टीमेट टू कंप्लीट, एस्टीमेट टू कंप्लीट निकल आएगा। तो एसी को एस्टीमेट टू कंप्लीट में जमा कर दें, अब तक जो खर्च हो चुके हैं वो एसी, और अब के बाद जो खर्च होने हैं वो ईटीसी, और ईटीसी का मैंने आपको बता दिया बीएसी माइनस ईवी डिवाइडेड बाय जो भी सीपीआई है या जो भी कुछ है। ये जब दोनों को जमा कर देंगे तो ये बन जाएगा एस्टीमेट एट कंप्लीशन। कोई बात समझ आई? ओके, अब एक चीज रह गई है जी, उसको कहते हैं टीसीपीआई। टीसीपीआई ये होता है टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स। टीसीपीआई इज इक्वल टू वर्क रिमेनिंग बाय कॉस्ट रिमेनिंग, काम कितना बचा है और पैसा कितना बचा है। जो काम बचा है अगर उसको पैसा बचे हुए से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स। काम जो बचा है वो तो आपको बताया था ना बीएसई माइनस ईवी है, जो बकाया काम है टोटल काम बीएसई, इसमें से अर्न वैल्यू निकाल दूं तो ये बन जाएगा वर्क रिमेनिंग। और पैसा कितना बचा है, पैसा है बीएसई में से एसी खर्च कर दिया ना आपने, तो एसी खर्च हो गया, तो बीएसई माइनस ईवी डिवाइडेड बाय बीएसई माइनस एसी, तो ये आ जाता है टीसीपीआई। यहां तक बात समझ आई? ओके, अब आप ये देखिए, अगर काम ज्यादा है और पैसा कम है तो आपका जवाब वन से ऊपर आ जाएगा। काम ज्यादा है पैसा कम है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी तो जवाब बड़ा आ जाएगा, वन से ऊपर आ जाएगा। अगर जितना काम है उतना ही पैसा है तो ऊपर नीचे बराबर होगा तो जवाब वन आ जाएगा। अगर काम कम है और पैसा ज्यादा है तो आपका जवाब जीरो पॉइंट समथिंग आएगा। अच्छा, अब यहां पे वो सीपीआई एसपीआई वाला तरीका इस्तेमाल नहीं होता, यहां पे उल्टा है। वन से ऊपर होना बुरा है, वन से नीचे होना अच्छा है, और वन होना ओके है। मतलब अगर मेरे पास उतना ही काम बचा है जितना पैसा बचा है तो ठीक है, फिर क्या फर्क पड़ता है, फिर जितने काम है उतना पैसा है तो मैं बस वो काम कर लूंगा। लेकिन अगर मेरे पास काम ज्यादा है और पैसा कम है तो मतलब ये हुआ कि मुझे ये अपने परफॉर्मेंस बढ़ानी पड़ेगी, मुझे अपने रिसोर्सेज को उनके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें पुश करना पड़ेगा, उनसे जबरदस्ती ये काम करवाना पड़ेगा, तो मुझे जोर लगाने की जरूरत है। अगर जवाब एक से ऊपर आए तो जोर लगाने की जरूरत है, और अगर जवाब एक से कम आ गया तो काम कम है पैसा ज्यादा है तो इसका मतलब है मैं थोड़ा बहुत रिलैक्स कर सकता हूं। मतलब अब मैं खतरे में नहीं हूं, अगर मैं जो जैसी परफॉर्मेंस दे रहा हूं ऐसी ही परफॉर्मेंस देता रहूं तो काम हो जाएगा। तो हर महीने आप चेक करें कि आपका टीसीपीआई क्या जा रहा है। अगर आपका टीसीपीआई वन से ऊपर चला जाए तो आप जरा अपनी तनावें खींचें, अगर आपका टीसीपीआई वन से नीचे चला जाए तो इसका मतलब है आप रिलैक्स कर लें थोड़ा सा। तो टीसीपीआई का मतलब है टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स, और यह है वर्क रिमेनिंग बाय कॉस्ट रिमेनिंग। जी जनाब, ये बात कुछ समझ आई कि नहीं आई? अगर देखा जाए तो दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट अर्न वैल्यू। मैं आपको कुछ इसके अंदर से चीजें दिखा देता हूं स्लाइड्स में, वरना स्लाइड में है मौजूद, आप उसमें से देख सकते हो, वो कोई ऐसा इशू तो नहीं है। ये वही डेफिनेशंस हैं सारी, अर्न वैल्यू, अर्न वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट की, ये सब वही कुछ चला आ रहा है। सीपीआई एसपीआई उसके फार्मूले, ये आपकी अर्न वैल्यू की सारी चीजें
प्लॉट हुई हुई है, अर्न वैल्यू, प्लान वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट कैसे प्लॉट करते हैं। जो आपका प्लान वैल्यू वाली लाइन है वो तो पक्की है ना, वो तो कॉस्ट बेस्ड लाइन है। जो जो आप काम करते जाएंगे उसकी लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट की अलग लाइन बनेगी, अर्न वैल्यू की अलग लाइन बनेगी। और जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, एक्चुअल कॉस्ट जहां उस वक्त पहुंचेगी वो मेरी एस्टिमेट एट कंप्लीशन है, जबकि मेरा बजट एट कंप्लीशन जो है वो बीएसी है। अब जहां बीएसी है और जहां ईएसी है, अगर नीचे से देखें तो इन दोनों के दरमियान जो फर्क है ये है मेरी ड्यूरेशन बढ़ गई है। अब उतना टाइम जो 6 महीने में नहीं हुआ, 6 महीने से ज्यादा में काम हुआ है, लेकिन इस किताब में उसने ये नहीं बताया कि टाइम कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन वो भी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर से के काम 6 महीने में होना था और अभी 7 महीने, ईएसी आपका 7 महीने निकल आया है, तो इसी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप इतना डिले हो गए। फिर हम इसमें ये जो आपको ईएसी के फार्मूले हैं, एसी प्लस बीएसी माइनस ईबी भी है, बीएसी बाय सीपीआई भी है, ये वाला जो एसपीआई और सीपीआई का मल्टीप्लीकेशन वाला भी है, मतलब जितने मुंह उतनी बातें, उतने ही फार्मूले हैं, और भी काफी सारे फार्मूले हैं इसके। अच्छा जी, इनके बाद टीसीपीआई आ जाता है। टीसीपीआई जो है उसका ये इसने फार्मूला दिया हुआ है, बीएसी माइनस ईवी बाय बीएसी माइनस एसी। ये जो दूसरा ईएसी माइनस एसी ना करना, क्योंकि इससे वो सीपीआई निकल आएगा दोबारा। तो टीसीपीआई निकालने के लिए बीएसी माइनस ईवी, बीएसी माइनस एसी, ये भी इंडेक्स हो गया जी। ये वो सारे फॉर्मूले शीट दी हुई है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं अगर आप इसको देखना चाहते हैं। ये एक प्रोजेक्ट है, ये एक प्रोजेक्ट है जिसकी प्लान वैल्यू का एस कर्व दिया हुआ है और टेबल भी बना हुआ है। उसमें कहता है जी जनवरी के महीने में कोई खर्चा नहीं है, मतलब स्टार्ट हो रहा है ना प्रोजेक्ट, फरवरी के महीने तक का खर्चा 2500, मार्च के महीने तक का खर्चा 8000, अप्रैल तक का 13000 और सो ऑन एंड सो फोर्थ। कहता है अभी इस वक्त हम जहां खड़े हैं वो है मई तक 42000 खर्चा हो चुका होना चाहिए। अभी मेरे पास वैल्यू नहीं है कोई भी अर्न वैल्यू की, कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट की। पहले हम अर्न वैल्यू की वैल्यू इसके अंदर लगाते हैं और उसका ग्राफ बनाते हैं। ये जो रेड सी लाइन की पर्पल लाइन आ रही है, ये पर्पल लाइन क्या दिखा रही है, ये मेरी अर्न वैल्यू के डॉट प्लॉट हुए हैं सारे। अब आप इसमें देखें, वो कहता है जी फरवरी में आपकी जो अर्न वैल्यू थी वो ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि यहां एस कर्व से मैं थोड़ा ऊपर हूं, तो ये मैंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। मैंने 2500 का काम करा, मैंने ज्यादा काम कर लिया, मैंने 3600 का काम कर लिया, लेकिन मार्च के महीने में जाकर मैं बिल्कुल जितना काम होना था उधर ही आगे आ गया। इसका मतलब ये समझें कि फरवरी मार्च के दरमियान मैंने कम काम किया है, लेकिन चूंकि मेरे पास पहले ही 1100-1100 की लीड थी, तो वो 1100 की लीड को मैंने रिलैक्स किया है, मगर मैं अभी ऑन डॉट हूं, मैं ऑन स्केड्यूल ही जा रहा हूं। लेकिन अभी अगर मैंने सुस्ती मजीद दिखाई तो नीचे चला जाऊंगा। अप्रैल के महीने में आप नीचे चले गए, आप 10000 पे आ गए, मतलब 13000 अचीव करना था, 10000 पे आ गए, 3000 का तो आपने नीचे चले गए आप। अभी मैं आपको कहता हूं कि जनाब आपने ये बड़ा बुरा किया है, आपको मैंने पिछले महीने भी कहा था कि ख्याल रखना, अब आपने इतना नीचे आ गए हो तो इसको इंप्रूव करो। अच्छा, अब मसला क्या है कि 13000 अगले मई के महीने में काम बहुत है, पैसा बहुत लग रहा है, 13000 से 42000 लगना चाहिए और आपने 10000 से 38000 तक खर्चा किया, खर्चा नहीं किया मतलब काम किया। इसका मतलब है पीछे तो आप हैं, अभी भी पीछे हैं, और अगर देखा जाए पहले आप 3000 नीचे थे, अब 4000 नीचे हैं, लेकिन ये नजर आ रहा है वाजे कि आप काफी सारा काम था और आपने जोर शायद काफी लगाया है कि इनके दरमियान का मैं मार्जिन खत्म कर दूं, लेकिन वो हो नहीं सका। मगर फिर भी ये नजर आ रहा है कि आपने कोशिश की है, जबकि मार्च के महीने में मुझे वाजे नजर आ रहा था कि भले परफॉर्मेंस आपकी सही है लेकिन आपकी स्पीड कम रही है। इस दफा आपकी परफॉर्मेंस लो जा रही है, लेकिन मैं ये समझ गया हूं, आपका डाटा देख के जान गया हूं कि आपने मेहनत काफी की है।
और अगर आपने इस तरह ही मेहनत जारी रखी तो मुमकिन है कि जून में आप अपने 62,000 के टारगेट से आगे निकल जाए। तो मतलब यह है कि इस वक्त मुझे आपको डांटना नहीं चाहिए बल्कि आपको बकअप करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए ताकि आप बाकी दो महीने काम ज्यादा बेहतर कर सके। यह तो थी कहानी सिर्फ अर्न वैल्यू के हिसाब से। अगर मैं इस पे एक्चुअल कॉस्ट भी लगाऊं तो असल कहानी खुल के तब सामने आएगी। पहले महीने जहां 2500 का काम करना था और आपने ज्यादा काम करके दिखा दिया 3600 का, उसके ऊपर असल में जो पैसे खर्च किए 6000 खर्च कर दिए, जिसका मतलब है कि सिर्फ 1100 का काम एक्स्ट्रा करके आपने पैसा कितना एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, 2400 रुपया ज्यादा खर्च किया आपने। 3600 और 6000 का फर्क 2400 है, इतना पैसा ज्यादा खर्च कर दिया आपने। और परफॉर्मेंस क्या दी है, 1100 ज्यादा दी है। तो भाई मुझे नहीं चाहिए आपकी इतनी अच्छी प्रोग्रेस, मुझे आप पैसों को भी कंट्रोल करके दें। तो यहां पे बजाय इसके अगर मेरे पास एसी का डाटा होता तो मैं आपको यहां शाबाश देने के बजाय डांटता कि ये क्या कर रहे हो। अगले महीने जब जाके मैं देखता हूं तो देखता हूं कि जनाब पैसे भी बराबर आ गए। मुझे बड़ी हैरत होती है कि यार इस बंदे ने 3600 से 8000 का काम किया, अर्न वैल्यू में देखिए 3600 से 8000 पे पहुंच गया, मतलब 4400 का काम किया आपने और पैसे कितने खर्च किए, सिर्फ 2000। मैं आई एम ओके विद इट, मैं खुश हूं कि आपने मतलब वक्त पे काम और कॉस्ट पे काम पूरा कर लिया, लेकिन यहां पे मेरे लिए लम्हा फिक्रिया है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी 4000 का काम सिर्फ 2000 में कर ले। इसका मतलब है कोई गड़बड़ है जरूर। जब मैं अप्रैल का देखता हूं तो आपका प्रोग्रेस तो स्लो हुई है लेकिन पैसा एक खर्च नहीं किया आपने, 8000 पे पहले खड़े थे अभी भी 8000 पे खड़े हैं, ये क्या चक्कर है? बात समझ आ रही है ना आपको? ये कोई चक्कर है कि मतलब पैसा खर्च किए बगैर ही आपने 2000 का और काम कर लिया लेकिन पैसा नहीं खर्च किया। अब आप मई में जाते हैं तो जबकि मैं कह रहा हूं कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है लेकिन यहां एकदम आपने 40000 का जंप लिया, एकदम 40000 खर्च कर दिए। तो इससे मुझे कुछ अंदाजा होता है कि आप पैसे जो है वो या तो लोगों को एडवांस दे देते हैं, कोई चक्कर ऐसा करते हैं आप कि लोगों को पहले पैसे नहीं देते, वक्त पे नहीं देते और एडवांस दे देते हैं, या पहले किसी को कुछ कर देते हैं फिर बाद में देते हैं। तो ये एक कुछ चीज चेक होने वाली है कि कहीं इस चक्रों में कहीं हमारा ओवरऑल खर्चा ज्यादा ना हो जाए। अगर मैं आपको मई के महीने में कहूँ कि अच्छा यार अपनी परफॉर्मेंस ऐसी जारी रखो तो आप तो खर्चा भी बहुत ज्यादा कर लोगे, ये तो मैं नहीं चाहता। इसका मतलब है कि मुझे इन दोनों के दरमियान आपको बैलेंस रखने की हिदायत देनी पड़ेगी कि भाई तुम बेशक परफॉर्मेंस अपनी इंप्रूव कर दी है तुमने और करते रहो लेकिन पैसा कंट्रोल करो। तो ये जनाब एक तो ये कहानी हो गई इसकी। इसके बाद ये खैर आगे फिर वही फॉर्मूले वगैरह आ जाते हैं। ये कुछ सैंपल्स हैं मेरे पास, ये देखिए, ये एक प्रोजेक्ट है जिसका पीवी ईवी और एसी एक बराबर है। अब आपकी अगर आवाज आए तो मैं आपसे बात कर सकूं या मुझे चैट में लिख के बता दीजिए कि इसका क्या सूरत हाल है, आप ऑन बजट हैं, बिहाइंड बजट हैं, मतलब बजट में कहाँ है और कॉस्ट में कहाँ है। जी अली, अल्लाह, ऑन बजट और कॉस्ट अपना टाइम में कहाँ है? ऑन स्केड्यूल, वेरी गुड। अच्छा अब अगला सिनेरियो देखिएगा, इसके बारे में क्या कहते हैं। जी जनाब,
हाँ जी, क्या सूरत हाल है? ये अहेड ऑफ कॉस्ट मींस कॉस्ट कम है, वो कैसे पता चला आपको? किस चीज से कंपेयर किया भाई? पीवी को एसी से क्यों किया? पीवी एसी से कंपेयर हो ही नहीं सकता, पीवी और एसी का कोई ताल्लुक ही नहीं है। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो जनाब, नहीं आवाज आपकी नहीं आ रही। हेलो हेलो ये जो है, जब तक ईवी नहीं आएगा, जब तक ईवी नहीं पता होगा, मैं कुछ भी नहीं निकाल सकता, बेकार है। पीवी और एसी का डाटा मेरे लिए बेकार है, कोई फायदा ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं भाई। आपको प्रोग्रेस पता ही नहीं है, काम कितना हुआ है, तो पैसे किस बात पे खर्च हो रहे हैं? पता लगे काम हो ही ना हो, 1700 खर्च हो गए, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि जब तक ईवी नहीं आएगा मैं नहीं बता सकता। अब ईवी आ गया है, अब ईवी को देख के बताएं कि क्या सूरत हाल है। ये क्या है? एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बताऊं, ईवी दरमियान में है ना, ईवी ज्यादा होना अच्छा होता है। बिल्कुल सही आपका जवाब, वी आर बिहाइंड स्केड्यूल एंड ओवर बजट। ईवी हमेशा ज्यादा होना चाहिए। इधर देखें आप, पीवी के साथ मिलाएं तो भी कम, एसी के साथ मिलाएं तो भी कम, तो ऊपर से ऊपर बता रहा है अगर पीवी से कम है तो बिहाइंड स्केड्यूल, अगर एसी से काम है तो ओवर बजट, दोनों चीजों में बुरा। और बस ये कंपेयर करते जाएं आप और आपका जवाब निकलता आएगा। ये सिनेरियो देखिएगा, पीवी 2600 है, ईवी 2400 है और एसी 2200 है। इसमें आप देख सकते हैं कि ईवी पीवी से तो छोटा है, मतलब आप बिहाइंड स्केड्यूल हैं, लेकिन ईवी एसी से बड़ा है, मतलब आप अंडर बजट है, विद इन बजट है। ठीक हो गया? इस सिनेरियो को देखिए, क्या क्या कहेंगे इसके बारे में। पीवी 1700, ईवी 1500, एसी भी 1500। यू आर ऑन बजट राइट, और कॉस्ट में, कॉस्ट में यू आर सॉरी टाइम में, टाइम में, टाइम में बिहाइंड स्केड्यूल, वेरी गुड वेरी गुड। इस केस को बताइएगा, 1400, 1600 और 1400, बहुत गुड है। यू आर अहेड ऑफ स्केड्यूल एंड यू आर अंडर कॉस्ट, मतलब विद इन बजट में आप कर रहे हैं काम। इस केस में जो अगला है, 2000 पीवी, ईवी 2200 और एसी 2400, तो ईवी पीवी से बड़ा है, इसका मतलब है अहेड ऑफ स्केड्यूल, और ईवी एसी से छोटा है, इसका मतलब है पैसे ज्यादा लगा रहे हैं आप
ओवर ओवर बजट जा रहे हैं। सातवां केस ये सामने आपके है, इसमें ईवी बड़ा है पीवी से मगर ईवी एसी के बराबर है, तो यू आर ऑन कॉस्ट ऑन बजट और परफॉर्मेंस आपकी जो टाइम की है वो आप अहेड ऑफ स्केड्यूल है। ये एक मैं आपको अजीब सा केस देता हूं, ये करें तो फिर बता, ये केस करें जी, इसको जरा पहले गौर करें और फिर मुझे जवाब दें। क्या है जी, बिल्कुल सही है, 1000 का काम हो चुका होना चाहिए, आपने कुछ किया ही नहीं है और फिर भी 800 रुपए खर्च कर दिए, तो इसका मतलब है कि आप वैसे ओवर बजट तो जा ही रहे हैं, 800 रुपए आपने ओवर बजट हो गए और परफॉर्मेंस आपकी जीरो है, मतलब आपने काम शुरू ही नहीं किया, यू आर बिहाइंड स्केड्यूल। अभी एक और केस देखिएगा, इस केस में क्या हुआ है, क्या जवाब है, ओवर बजट तो है लेकिन बजट है क्या, बात यही है, प्लान प्लान वैल्यू है ही नहीं, मतलब प्लानिंग ही नहीं हुई हुई है, प्लानिंग एस कर भी मिसिंग है, प्लानिंग में कुछ होना ही नहीं था और आपने फिर भी कुछ कर लिया और जो कर लिया वो भी महंगा किया, कंफ्यूजन नहीं, क्लियर बात है, प्लानिंग इज नॉट देयर, देयर इज नो एस कर्व एंड स्टिल यू हैव डन समथिंग, 700 का काम आपने कहा मैंने कर लिया लेकिन उसमें भी पैसे ज्यादा खर्च कर दिए, ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो है, ऐसा तो नहीं हो सकता। ओके जी, ये बस दिस टेक्स अस टू द एंड ऑफ इट, डीसीपीआई मैं आपको पहले बता चुका हूं, चैप्टर हमने कॉस्ट का खत्म कर लिया, अगर कोई और पॉइंट है तो वो बताएं। जनाब एनीथिंग, बिल्कुल, मेरे ख्याल कल ट्राई करते हैं जब आवाज थोड़ी ठीक होगी, क्योंकि अभी तो आवाज नहीं आ रही, तो फिर इंशाल्लाह कल 11 बजे बैठते हैं और अगला चैप्टर भी शुरू करना है क्वालिटी का, और बाकी आपका क्या क्वेश्चन, किस मसले में मेंटरिंग चाहिए वो बताना चाहते हैं तो बता दें। नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह कल करते हैं, तो लेट्स कॉल इट अ डे देन, थैंक यू वेरी मच, और भी कुछ क्वेश्चंस कर लीजिएगा बेशक, और वो मुझसे कल डिस्कस कर लीजिएगा, थैंक यू, खुदा हाफिज़।